इस ट्रॉलर वर्कशॉप में आया है। ये किसका है? बालों को डाई करें। उसके फोरहेड के बीच में एक रेड डॉट है। वाह, ऊपर देखें। बालों ने चमकना शुरू कर दिया है। आपको ब्रेसलेट की आवाज पूरे टाउन में सुनाई दे सकती है। एक बूढ़ी औरत नदी पर हर वीकेंड आया करती थी। मैं सुंदर नजारे को देखूंगी और साथ में कपड़े धो लूंगी। तभी अचानक से एक बड़ा लोटस नदी पर आ गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, ये तो एक बेबी है। यहाँ आओ बेबी। एक बच्चा। प्रिया, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। हमें हमेशा से एक बच्चा चाहिए था। भगवान ने हमें एक बेबी दे दिया। हम इसका नाम पूजा रखेंगे। सामान तैयार किया जाए। एक स्टैंड बनाए। लेग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक वायर को काटे। गोल्ड रिंग से कैनोपी अच्छा लगेगा। वाह, एक फ्लावर मेडो। येलो फ्लावर्स वाली कर्टन से बेबी को बहुत प्यारी नींद आएगी। ग्रैंडमा ने बेबी को रूम में छोड़ने का सोचा है। सॉफ्ट पिलोज पर लेट जाओ और मुझे कुछ काम करना है। पर पूजा शांत नहीं बैठ सकती है। हो, तुम बहुत फुर्तीली हो। तुम काउच के आसपास घूम सकती हो। फारूक, हनी, इसे संभालो। मुझे खुशी होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। पर उसे नींद आ गई। लड़की ने इसका फायदा उठाने का सोचा है। पूजा, बीबी कहाँ चली गई? फारूक, तुम फिर से सो गए? हो, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। पूजा, तुम कहाँ हो? पता चला कि लड़की सरी पर लटक रही है। पूजा, तुम यहाँ हो? हमें हमारी लड़की मिल गई। अब फैमिली साथ में वक्त बिता रही है। खैर, हम किसे चुने? एक एलिफेंट। इसे पेंट करो। शेडोज बनाएं। हूव्स को चमकीले कफ्स के साथ सजा दें। एक सजावटी रिबन को काटे। हॉर्स ब्लैंकेट तैयार हो चुका है। बड़े ईयर्स पर गोल्ड इयररिंग्स लगाएं। लोग कहते हैं कि अगर आप सजे हुए एलिफेंट से मिलते हो तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। बेबी बड़ी हो गई, अब वो पूरे जयपुर में खुद से घूम सकती है। आह, फ्लावर्स की खुशबू बहुत प्यारी है। और ये क्या है? सर्कस, दिलचस्प है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। लड़की ये देखकर हैरान हो गई। बेचारे एनिमल्स को पिंजरों में बंद करके रखा है। एलिफेंट, क्या तुम उदास हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एलिफेंट आजाद हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर वो एक बॉल के ऊपर फिसल गया और वो पिंजरे के अंदर चला गया। अह, ये आज के बाद सारे एनिमल्स आजाद हो जाएंगे। अब बालों को बदलना पड़ेगा। वाह, मुझे पसंद आए। मेकअप लगाएं। उसके माथे पर बिंदी है। हमने चमकीली फैब्रिक से एक सुंदर आउटफिट तैयार किया है। हमें सिर्फ रिबन्स लगाने की जरूरत है। वाह, एक एक्सेसरी उसके सिर पर चमक रही है। बेबी अपनी सुंदरता के साथ दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए तैयार है। पूजा बहुत अच्छी लड़की है। मेहनती लड़की नदी पर एलिफेंट को नहला रही थी, तभी अचानक से झाड़ियाँ हिलने लगी। आह, ये मेरा शिकार है। यहाँ कौन है? बू, मैं तुम्हारी एलिफेंट को चुराने वाला हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत। पकड़ लिया। खैर रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? पता चला कि ये तो एक मूवी सेट था। क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? ये कैसी बचकानी हरकत थी? इसे इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। मिस्टर डायरेक्टर, क्या बात है? हनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चिंता मत करो। और विलन पूरी तरह काबू से बाहर हो गया था। खैर, मुझे आपका बर्ताव पसंद नहीं आया, मैं जा रहा हूँ। हे, रुको, मैंने ज्यादा बोल दिया, ऐसा होता है। अपनी परेशानी खुद सुलझा लेना। एलिफेंट, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। प्रिंटेड स्वीप काटे।
एक बॉक्स को साथ में रखें। हमने स्ट्रॉ से हेना ट्यूब बनाया है। तीन शेड्स और बहुत सारे स्टेंसिल्स। हेना का सेट किसी भी नए आर्टिस्ट को पसंद आएगा। हार्ली और जोकर ने अपना वेकेशन इंडिया में बिताने का सोचा है। देखो हर चीज कितनी अलग है। क्या तुम खूबसूरत लेडी के लिए फ्लावर्स लेना चाहोगे? पसंद कीजिए प्लीज। हाँ मुझे एक बुके चाहिए। हनी ये लो। ओह कितना प्यारा है। शुक्रिया। क्या आप कुछ हेना लेना पसंद करोगे? बिल्कुल मुझे टैटूज पसंद है। जैसा तुम चाहो हनी। आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया। कितना प्यारा है। हमें शुक्रिया कहो। हाँ हनी ये तुम्हारे लिए है। वाह। पूजा बड़ी होकर सुंदर लड़की बन चुकी है। कितना शानदार आउटफिट है। इसे गोल्ड रिबन के साथ सजाएं। उसने एक गोल्ड नेकलेस पहना है। वाला एक शानदार साड़ी के साथ लुक पूरा हो जाएगा। बालों को कवर करें। बहुत सारे गोल्ड एक्सेसरीज चमक रही हैं। वो सुंदर लग रही हैं। पूजा बड़ी हुई और ज्यादा सुंदर हो गई। ओह और वो डांस में भी माहिर हो गई। आज पूजा का बर्थडे है। सभी लोग उसे बधाई देने के लिए तैयार हैं। इस तरह का इवेंट रंगीन और मजेदार होना चाहिए। सभी लोग रंगों से खेल रहे हैं। वाह ये बहुत मजेदार होने वाला है। आप पर जितना रंग लगाया जाएगा जिंदगी उतनी ही रंगीन हो जाएगी। कितना अच्छा दिन है। एक स्ट्रॉ चुने। स्वेन क्या हम तुम्हारी बेल ले सकते हैं? इसे स्ट्रॉ पर लगा दे। ओपनिंग्स तैयार करें। जुर्ना का माउथपीस चमक रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारी आवाज निकाल रहा है। लोग चाय की खेती कर रहे हैं। भरी गर्मी में पत्तियां इकट्ठी करना काफी थका देता है। आह बास्केट भर गया। तभी एक प्यारी आवाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया। पूजा ने अपने म्यूजिक के साथ अपने दोस्त की मदद करने का सोचा है। कितनी अच्छी बात है। ये आपका मूड अच्छा कर देती है। लड़कियों ने डांस करना शुरू कर दिया और उनकी थकान खत्म हो गई। शुक्रिया पूजा। जुर्ना की आवाज ने हमारी ताकत बढ़ा दी। एक प्लास्टिक के ढक्कन को काटे। इंडियन खाना स्वादिष्ट है। अब मसालों की खुशबू ले सकते हो। इसे सुंदर बनाना ना भूलें। पूजा हमेशा गरीबों की मदद करती है। पर स्ट्रीट मंकीज भी स्नैक्स खाना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ा खाना चुराने का सोचा। ओह क्या बदतमीजी है। यहाँ से चले जाओ। बाहर निकलो। जैसे ही पूजा ने ट्रे जमीन पर रखी मंकीज ने सारा स्नैक्स खा लिया। ओह नहीं ये फिर से हो गया। हम तुम्हारी वजह से भूखे रह जाते हैं। मंकीज को हर बात का बुरा लगा। उन्होंने सबके साथ खाना बांटने का सोचा। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये सब पूजा के अच्छे दिल की वजह से हो पाया। हमारे पास क्ले का टुकड़ा है। इसे रोल करें और ऑर्नामेंट्स जोड़ें। हाथों से बने ऑर्नामेंट्स ने इसे और ज्यादा बेहतरीन बना दिया। लकड़ी के स्क्यूअर्स को काटें, इसे थोड़ा छोटा करें। हमने टेक्सचर तैयार किया। स्क्यूअर्स को ट्यूब के अंदर लगाएं और ढक्कन से कवर करें। जैसे ही आप उन्हें जलाएंगे वर्कशॉप पे चंदन की खुशबू फैल जाएगी। बहुत सालों बाद पूजा के अपने ग्रैंड किड्स हो चुके हैं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए खेलने का सोचा है। ये बेड पर उछलते हुए और पिलो फाइट अपने आप को बचाओ। खैर बच्चों ये कैसा शोर है। ओप्स हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी छिप जाओ। मुझे थोड़ी शांति और एकांत चाहिए। अगरबत्ती इसमें मदद करेगी। ग्रैंड माँ ने अगरबत्ती जलाई और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ओम अब ग्रैंड किड्स की शरारतों से ग्रैंड माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी और बच्चों को पहले से दोगुना ज्यादा मजा आ रहा है। ओम मैं पूरी शांत और खुश हूँ। कितना प्यारा कपड़ा है। हमें सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। थोड़ी सजावट की जाए और रिबन के साथ जादू भी खेरा जाए।
गोल ट्रे को बीच में रखें। इसे ड्राई फ्लावर्स के साथ सजाएं। ओह, एक छोटा कप, कितना प्यारा है। सेरेमनी के लिए आपको इसी की जरूरत थी। इसे बीच में रखें। चाय किसे चाहिए? कपड़े ले लो, टर्की ले लो। क्या हुआ? मैं बस मजाक कर रहा था या नहीं? यहाँ पर इंचार्ज कौन है? ओह, मैं ज्यादा भाग गया। हेलो लेडी, आप क्या लेना चाहोगे? मैं ये पिलो लूंगी। क्या आप ये टर्की भी लेना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, हम जा रहे हैं। क्या पता आपका मन बदल जाए, ये डील अच्छी रहेगी। आप क्या लेना चाहोगी? आह, टी सेरेमनी का कितना प्यारा सेट है। ग्रैंडसन, यहाँ आओ, बास्केट लेकर आओ, हमें नया सामान लेना है। मजे करें। टर्की के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा।